हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघस गुड लाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 3 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने पिछले ब्लॉग में देखा है, मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए ड्रेसिंग लेके आए हैं। तो अभी मैं अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसमें अपना सामान रखती हूँ। फिलहाल मैं अपना सामान इसमें रखती थी, अभी मैं इसमें रखूँगी और अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था सामान रखने के लिए। और मेरा सिलाई का भी सामान हो जाता था, लेस बटन, इस चक्कर में मैं इसको मंगवाई थी, लेकिन फिर भी से ज़रूरत तो था ही, और इसीलिए फिर लेके आए। अब मैं इसको अच्छे से जमाती हूँ, मेरे सामान को रखती हूँ। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में और मुझे बताइएगा कि किस टाइप से मैं अपना सामान इसमें रखूँगी। तो चलिए, पहले इसमें से मैं अपना सामान निकालती हूँ। और जैसे कि कल यहाँ पास हम लोग रखे थे तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए अब हम लोग इधर रखे हैं यहाँ पास। तो बताइएगा कि इधर अच्छा है कि इधर रखना था, तो कौन सा साइड रखना था ये भी आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए, मैं उसमें से सामान को पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसमें जमाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टेबल में ही मेरा पूरा सामान रहता था, जब से शादी हुआ था तब से पूरा, मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया इसी में मैं रखती थी अपना सामान। और जगह नहीं है करके मैं कुछ ख़रीदती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मेरा सिलाई का भी सामान रखना पड़ता था इसीलिए। और तो यहाँ से अब मैं निकालूँगी। अब मेरा ख्वाहिश लास्ट था कि एक ड्रेसिंग होना चाहिए ऐसे करके, तो वो भी अब पूरी हो गई है, तो मैं अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। तो अब वहाँ से मैं सामान निकाल ली हूँ, फिर यहाँ पास मैं पोंछ रही हूँ उसको। और देखिए, ये चूड़ी बॉक्स है जिसको मेरे शादी में मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, मैं उसको हमेशा संभाल के रखूँगी। तो देखिए, डेली यूज़ का जो बैंगल्स है उसको मैं वहाँ पास लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरा अपना ड्रेसिंग को पहले से ही तो साफ़ कर ली थी, लेकिन जो सामान निकाली थी उसको मैं साफ़ कर करके फिर अच्छे से मैं उसको जमा रही हूँ। और बॉक्स भी चेंज की हूँ अलग अलग सब। मैं कोई दिन अपना ड्रेसिंग का पूरा वीडियो डालूंगी कि कैसे क्या रखी हूँ मैं, और आप सब कमेंट करके बताइएगा भी कि कैसे रखना है और कैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहीं पास, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा यही जगह में, इसलिए मैं यहाँ रख दी हूँ, क्योंकि रूम में भी जगह होना ज़रूरी रहता है। मेरे को कटिंग वटिंग करने के लिए फॉल लगाती हूँ, तो उसके लिए मुझे पूरा जगह स्पेस ज़्यादा अच्छा चाहिए। और घर में भी कोई कोई आते रहते हैं तो अच्छा लगता है जब जगह रहता है तो। और देखिए, इधर पूरा मैं फैला के रखी हूँ और साफ़ करके मैं इधर रखते जा रही हूँ। और देखिए, मैं थोड़ा सा फिर ब्रेक ले ली हूँ, शाम हो गया था जैसे कि मैंने बताया टाइम आप सबको, तो यहाँ पास मैं चाय बना के दे दी थी सबको और मैं भी चाय पी रही हूँ। और ये जो ब्रेड खा रही हूँ ना, ये थोड़ा मीठा वाला ब्रेड है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं उसको खाने की ले ली थी, तो वही खा रही हूँ मैं और चाय भी पी रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी इतना मैं कर ली हूँ, इसको इग्नोर कीजिए, देखिए जमा ली हूँ और भी जमा ही रही हूँ, और इधर देखिए अभी हो रहा है, अभी बाकी है बहुत सारा चीज़। तो ब्रेक में अभी मैं चाय बना के सबको दी हूँ और चाय मैं पी ली हूँ, अब बाकी का फिर काम करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा हो गया, अच्छे से मैं कर ली हूँ, इसको खोल के दिखाती हूँ आप सभी को। देखिए, इसके अंदर को तो दिखा ही चुकी हूँ, फिर भी से एक बार और देखिए। इसमें मैं पूरा अपना चूड़ी रखी हूँ और इसमें मेकअप के सामान और डेली यूजेस सामान है, ये भी वैसे सेम। और इधर कुछ डेली यूज बैंगल्स। तो कैसे लग रहा है कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, बाय बाय। तो कैसे लगा मेरा ड्रेसिंग टेबल और मैं ऑर्गेनाइज की हूँ वो कैसे लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और कहीं कुछ चेंजेस करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सजेशन दीजिए अच्छे से कैसे क्या रखूँ। और आप सबके लिए फिर जल्दी से बोलोगे तो रूम टूर लेके आऊँगी।
अभी पूरा मुझे अच्छे से करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।